IVM. नमस्कार, प्रोबेशन से प्रमोशन तक के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं और एक एंटरप्रेन्योर हूं, और इस पॉडकास्ट में मैं बात करता हूं आपके करियर की, आपकी ग्रोथ की, आपकी विकास की नीति की। दोस्तों, आज का मुद्दा है आलोचना, क्रिटिसिज्म। हम सब ने अपने जीवन में किसी न किसी मुकाम पर, किसी न किसी मोमेंट पर या फिर किसी न किसी जगह पर आलोचना झेली है। इस बात पे जोर दे रहा हूं मैं, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने कभी किसी भी प्रकार की आलोचना ना झेली हो। वो आलोचना आपके काम के लिए हो सकती है, वो आलोचना आपके बिहेवियर के लिए हो सकती है, वो आलोचना आपके तरीकों के लिए हो सकती है। पर मैं आपको बता दूं, आलोचना उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती है जितनी बड़ी दिक्कत हमारा उस आलोचना को लेकर रिएक्शन होता है। प्रॉब्लम कभी प्रॉब्लम नहीं बनती, हमारा रिएक्शन उस प्रॉब्लम की तरफ प्रॉब्लम बनता है। आलोचनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं, हमारा रिएक्शन उस पे निर्भर करता है कि हम किस तरह की विचारधारा से आते हैं, हम किस तरह की परिपक्वता से आते हैं। तो बेसिकली तीन तरह की आलोचनाएं होती हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती हैं। इनका कोई फेज नहीं होता, इनका कोई मौका नहीं होता, इनका कोई दस्तूर नहीं होता। तीन तरह की आलोचनाओं का सामना हमें कभी भी जिंदगी में करना पड़ सकता है। पहली आलोचना होती है सेल्फ क्रिटिसिज्म, यानी कि खुद की आलोचना। हम अपने आप को ही लेकर के बहुत नेगेटिव होते हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं 100 टुकड़ों में बट चुका होता है। हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि एक छोटे से टास्क को हम बगैर खुद की आलोचना के पूरा कर पाएं। जैसे अगर हम बहुत मोटे हैं तो हमको लगता है हम तेज कभी दौड़ नहीं सकते। अगर आपने कभी ऑफिस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया हो, आपका पावर पॉइंट अच्छा ना बना हो, लोग हंसे हो, तो आप ये अंदर एक दृढ़ निश्चय बना लेते हैं कि मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कभी नहीं बनाऊंगा, मेरा हमेशा मजाक बनेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि अभी कभी आपने किसी पार्टी में या किसी ऑफिस की मीटिंग में 4 लोगों के सामने अंग्रेजी में बात करी और आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं हुई और लोग आपके ऊपर हंसे, वो आपको इस कदर चोट पहुंचा गया कि आपने ठान लिया कि मैं अंग्रेजी में कभी बात नहीं कर पाऊंगा। दोस्त, यहीं पे एक मौका होता है हमारे पास इसको बदलने का। सेल्फ क्रिटिसिज्म हमने आम तौर पर देखी है, और ये बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि सेल्फ क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा कारण आपका बचपन होता है। ऐसा हो सकता है कि आपके बचपन में जो आपके माँ बाप हों वो आपको बहुत डिस्करेज करते हों, या आपको बहुत डांटते हों, या बहुत रोकते टोकते हों, आपको बहुत आज़ादी ना दी हो आपके माँ बाप ने, तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि इस परवरिश से निकलने वाले बच्चे हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आपके जो दोस्त हैं वो हमेशा आपका मजाक बनाते थे, आपको मारते थे, आपको बुली करते थे, आपको दबाने की कोशिश करते थे साइकोलॉजिकली। तो ऐसी मानसिकता और ऐसी विचारधारा और ऐसे परवरिश से निकलने वाले लोग आमतौर पर अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, और ये दुनिया में एक बहुत बड़ा मेंटल इशू है। दोस्तों, आजकल हम मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी बातचीत सुनते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म मेंटल हेल्थ का एक बहुत बड़ा आयाम होता है। हम अपने आप को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज कर देते हैं कि हम रोज़मर्रा के आम कामों में भी कॉन्फिडेंस हासिल नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा तोड़ है दोस्त कि आप दुनिया की आंखों से दूर होकर के अपनी स्किल्स पर काम करें। हम सेल्फ क्रिटिसिज्म को तब ज़्यादा नुकसानदायक समझते हैं जब हम रिजल्ट से डरते हैं। हमको लगता है कि कहीं हम करें और दुनिया हमारा मजाक ना बनाए। तो आप प्रॉब्लम को ही हटा दीजिए, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया के साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगर आपको अंग्रेजी अच्छी नहीं आती है तो चुपचाप एक कोने में आप इंग्लिश की ट्रेनिंग लीजिए। अगर आप बाइक चलाने से डरते हैं क्योंकि आप कभी बाइक चलाते हुए गिर गए थे और लोगों ने आपका मजाक बनाया था, तो आप अकेले बाइक चलाना सीखें। आप अकेले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखें, कुछ मदद लें लोगों से, किसी प्रोफेशनल से मदद लें, और धीमे धीमे अपनी स्किल्स पर काम करें। ऐसा संभव है। तो सेल्फ क्रिटिसिज्म का एक दायरा होता है, और ये कहीं ना कहीं जुड़ा होता है आपके बचपन से। विद प्रैक्टिस, लोगों से बात करके, साइकोलॉजिस्ट की मदद लेकर के, प्रोफेशनल्स की हेल्प लेकर के, आप सेल्फ क्रिटिसिज्म को अपनी कोर पर्सनालिटी से अलग कर सकते हैं।
दुनिया भर में आजकल बहुत साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं जो आपकी सेल्फ क्रिटिसिज्म की आदत को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और ये कहना जितना आसान है, मैं फिर बोल दूं, करना उतना ही मुश्किल। तो आप अगर सेल्फ क्रिटिक बहुत ज़्यादा हैं, आप उस आलोचना को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, तो आपको साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अब वो ज़माना चला गया जब साइकोलॉजिस्ट की मदद लेना एक बहुत बड़ा दाग माना जाता था। आजकल बड़ा आम है, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। दूसरे तरह का क्रिटिसिज्म होता है दोस्त, डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, हमने आम तौर पर देखा होगा कि आपने मान लीजिए सोशल मीडिया पे कोई कमेंट किया और लोगों ने उस पर कटाक्ष मारने शुरू कर दिए, गंदा गंदा बोलना शुरू कर दिया, आपकी ऐसी आलोचना करी कि आप शर्म से पानी पानी हो गए। इस तरह के आलोचना के लिए भी आपको स्टांस वही रखना है, ऑफेंसिव डिफेंसिव नहीं होना है। हमको ये भी जानने की जरूरत है, और ये भी साइकोलॉजिकली बैक्ड है, साइकोलॉजिस्ट कई सारे इस बात की प्रेरणा देते हैं, इस पर बात करते हैं कि जो लोग आपको या फिर दुनिया में किसी को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं वो अंदर से बहुत ही दुखी होते हैं और अंदर से सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म खुद के लिए ही रखते हैं। आपने शायद वो फिल्म देखी हो फरारी की सवारी, जिसमें वो छोटा बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है लेकिन उसका दादा उसको रोकता है, बताता है कि क्रिकेटर कोई नहीं बन पाता, क्रिकेट ये सब खेलने से प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं, ऐसे कोई क्रिकेटर नहीं बनता। उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि उसके दादू, फिल्म में उसके दादू खुद अपने जीवन में एक अच्छे क्रिकेटर नहीं बन पाए थे। आम तौर पे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो डिस्ट्रक्टिव आलोचना करते हैं, मतलब इन लोगों का काम होता है सिर्फ आपको नीचा दिखाना, ओपनली आपको क्रिटिसाइज करना, आपकी बुराइयों और आपकी कमियों के बारे में बात करना। ऐसे लोग आम तौर पे अपने आप से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, अपने आप को अंदर ही अंदर क्रिटिसाइज करते हैं, वो जीवन में खुद बहुत नहीं कुछ कर पाते, और जब वो अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, वो उनको नीचे खींचते हैं क्योंकि वो उनको कंफर्टेबल बनाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि चार लोग अगर दोस्त हैं और उनमें से एक कोई रोज सुबह जिम जाने लग जाता है, बड़ा ही टाइमली रूटीन फॉलो करने लग जाता है, तो बाकी तीन उसका मजाक बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो जिम नहीं जा रहा था तो वो उसके साथ उठ बैठ पा रहे थे, वो लोग अलग नहीं लग रहे थे। अब क्योंकि वो जिम जाने लग गया है, डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करने लग गया है, तो अब वो लोग उसको पुल डाउन करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपना अभाव महसूस होता है, अपना लैक ऑफ डिसिप्लिन महसूस होता है। तो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी अपने कॉन्फिडेंस के साथ टैकल करना चाहिए दोस्त। सोशल मीडिया का ज़माना है, हमको बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिल सकते हैं, हर शेक चिल्ली आपको क्रिटिसाइज करे, आपको अफेक्ट अपने आप को नहीं होने देना। डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का एक बड़ा ही मैला कुचैला आयाम होता है दोस्त, उसको बुलाते हैं गैस लाइटिंग। आधुनिक जमाने में किसी भी इंसान को मनोवैज्ञानिक तरीके से नीचे लाना आजकल कई लोगों का फेवरेट काम होता है। इनका ये काम होता है कि ये आपकी कमियों के बारे में बोल बोल कर आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से इतना पैरालाइज बना देते हैं, इतना त्रिशंकु में ले आते हैं कि आप खुद पर ही विश्वास करना भूल जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें दोस्त। सोशल मीडिया में ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो सिर्फ आपको ये कन्विंस करने में लगे रहते हैं कि आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना कि आप मानते हैं। और ऐसा इसलिए होता है दोस्त क्योंकि ऐसे लोग अपनी खुद की जिंदगी में बहुत इनसिक्योर होते हैं। तीसरा आलोचना का आयाम होता है दोस्त, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, रचनात्मक आलोचना। नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपकी अच्छी रचना के लिए एक बड़ा कदम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस में काम करते हैं और आपका बॉस आपको आके एक दिन बोलता है कि दोस्त आप अच्छा काम तो करते हैं, आप अच्छे वर्कर हैं, आप अपने काम में बहुत निपुण हैं, लेकिन मैं आपको टीम लीड नहीं बना सकता क्योंकि आपकी पीपल स्किल थोड़ी सी गड़बड़ है, आपको अपनी पीपल स्किल पे काम करना होगा। ये एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है दोस्त, क्योंकि वो आपको नीचा नहीं दिखा रहे हैं, वो आपको सच्चाई बता रहे हैं कि आप अपने काम में निपुण तो हैं लेकिन आपको टीम लीड बनने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी पीपल स्किल पे काम करना पड़ेगा, आप लोगों से कैसे डील करते हैं उस पर काम करना पड़ेगा। ऐसे क्रिटिसिज्म के सामने आपको कभी अपना ईगो नहीं लाना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि सामने वाला भला चाह रहा है मेरा, और सामने वाला जिस तरीके से क्रिटिसाइज मुझे कर रहा है उससे ये जाहिर होता है कि मुझे अपने आर्ट में इम्प्रोवाइजेशन करना है। एक बहुत ही फाइन बैलेंस दोस्त हमको जिंदगी में बना के चलना होता है कि हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को साइडलाइन ना करें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमारा दोस्त है, अगर हमने उसको साइडलाइन कर दिया और उससे वैसे ही डील किया
जैसे कि हम सेल्फ क्रिटिसिज्म या फिर डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से डील करते हैं तो हमारा नुकसान होगा। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को अपने पास रखें और सेल्फ और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को फुटबॉल की तरह लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर निकालें। बॉटम लाइन ये है दोस्त कि कोई भी आलोचना आपकी, और मैं कंस्ट्रक्टिव आलोचना की बात कर रहा हूँ, रचनात्मक आलोचना की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमको उसी को सीरियसली लेना चाहिए, वो आलोचना आपकी उस पॉइंट पे है, आपकी उस समय के लिए है, तो उसको पर्सनली बिल्कुल ना लें। ऐसा हो सकता है कि उस मोमेंट पे आपकी आलोचना रचनात्मक तो हो लेकिन अच्छी तरीके से ना दी गई हो, सामने वाले ने थोड़ा आपको डांट के बोल दिया हो, तो आपको भी ये समझना चाहिए कि सामने वाले की मनस्थिति कैसी है, वो किस सिचुएशन में है, वो किस तरह के, हो सकता है काम में उलझा हो, उसने किसी तरीके से आपको बोल दिया। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपकी आलोचना कौन सी कंस्ट्रक्टिव है, कौन सी डिस्ट्रक्टिव है। आपको इस बात का अनुमान बहुत अच्छे से होना चाहिए दोस्त, और ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो। तो ये पर्सनालिटी का आयाम जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिसिज्म हैंडल करना बहुत बड़ी कला है दोस्त। आगे वही बढ़ता है जिंदगी में जो क्रिटिसिज्म को अच्छे से हैंडल कर पाता है, फिल्टर कर पाता है, उसके साथ खेल पाता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज इसे रेट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं जो शायद क्रिटिसिज्म हैंडल करने के मामले में थोड़े से कच्चे हैं। अभी के लिए इतना ही, अगले पॉडकास्ट पे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बक है। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, good friend of the show, good friend of Cyrus and myself, Mangalam Mallu is on. He's the assistant editor and anchor at CNBC TV 18, and he and Cyrus discuss how the budget of 2022 affects us all. On This Round Is On Me, we flip the script as Gauri is a guest on her own show. Check it out as Kavita Rajwade, my co-founder at IVM Podcast, hosts this very special episode. On Misconduct, Raghvi and Nisha are joined by Priya Mirza. She's the host of the Longest Constitution podcast. They take a close look at the former Prime Minister of India, Indira Gandhi. On Audio Gyan, Kedar talks to Dr. Simin Patel. She's the co-founder of the Bombaywala Historical Works. She talks about how she picks out the most interesting stories to showcase. And on Tere Mere Raaste, Kesho tells us the amazing transformation of the ravaged land of Purnapani. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, please do tell a friend. It really does help us when you spread the word about our podcast. And I'd also like to ask you if you could rate or recommend wherever you listen to our podcast. And speaking of where you listen to this show, if you're on an Android phone, do check out our new Android app. We have a brand new app with a brand new listening experience. Definitely check it out. I think you will enjoy it. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. Habits, routines, how exactly do they help us get better? Well, to simplify it for you, tune in to the Habit Coach podcast. I am Ashton Doctor and I'm going to be here to help you get better daily with some simple, easy to do habits that you can easily adapt to your life. So tune in to the Habit Coach podcast from Monday to Friday, because I believe that awesome lives start with awesome habits.